वो तूने क्यों चेंज करा, हमारा क्वेश्चन मेन ये है भाई। भाई वो चेंज इसलिए करा, पहले आपको सब कैचिंग बोलते थे तो आपने एकदम से लड़की से फेस साफ सारी लड़कियों को अलग कर दिया। ये कि आप इतनी जल्दी कम टाइम में इतना ग्रो कर गए, आपको कैसा फील हो? दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप इतनी बातें क्यों छोड़ते, आप कुछ कर नहीं सकते? स्वागत है भाई पॉडकास्ट चैनल में। जो पहला पॉडकास्ट बन रहा है वो दिल्ली गैंग के साथ बन रहा है और तुम्हारा भाई यानी कि लैला बदमाश करेगा सबसे एक एक बारी क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन ये बता, तू अपने आप को बदमाश क्यों बोलता है? मैं अपने बदमाश क्यों बोलता हूँ क्योंकि यार जो पहला क्वेश्चन है मनु चौधरी भाई तेरे पे आए। नहीं भाई उधर से शुरू कर। नहीं यहीं से स्टार्ट कर। क्यों भाई इधर से चलता है क्या? तू छोटे से बड़ा कर रहे हैं। कच्ची ब्राबी ट्राई कर ले नई चीजें, वो भी नहीं भाई कलर ट्राई करने चाहिए। कलर पर ये बैगी, वो बैगी कपड़े भाई सही रहते, खुले रहते हैं यार, बैंच टाइट टाइट अजीब सा फील होता है। चल ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप इतनी बातें क्यों छोड़ते हो जब आप कुछ कर नहीं सकते? तो भाई एक ही बारी तो हार रहा हूं कंपटीशन में, क्या हो गया? बाकी तो बात ही हूं पैसे ऑफ इंडिया हो भाई। पर आप 17 में से 18वीं रैंक कैसे आई आपकी, ये बताइए। वो भाई कैसे क्वालीफाई हो गया भाई 17 बनने दे। अबे भाई अगर मेरा लिफ्ट पास होती तो हमारा इन्वेस्टमेंट 10.5 का। अगर मेरी वो लास्ट वाले लिफ्ट पास होती तो मैं सीधे सेकंड प्लेस पे होता। वो लास्ट वाले भाई मैंने मेरे को जाने से पहले कहा था सेकंड वाले सारे गंड भरे होते हैं, गार्ड में जाना तो फर्स्ट होगा। अभी तो मैंने लिफ्ट ऐसे तो गंड वाला मानता है वो अपने आप को, क्योंकि तो सेकंड है ना। यस तो बैन कर। सो गाइस मनु चौधरी गंड मरे घाशी घोषित हो चुकी है। तो ये तो था भाई, ये छह तेरी सचे भाई 20 का हूं मैं, इस साल 21 का हो जाऊंगा सितंबर 5। और भाई सिंगल है, तो सिंगल है, कमिटेड है। हां सिंगल है, कमिटेड है भाई। पर्सनल क्वेश्चन पर क्या है भाई? मैंने वाला सब पर जिस दिन कैमरा उठाया था मतलब लाइव कर दूं। अबे बस सिंह नहीं भाई, पर्सनल क्वेश्चन में जा रहा हूं। चल ठीक है, जो तूने अभी टेस्ट रोल अपना वो कराया तो उसमें टेस्ट जो तूने वो जो तूने फाइल निकाली है उसमें तूने अपनी 21 एज क्यों दिखाई है? फिर अभी तूने अभी तो बताया मैंने अपनी वीडियो में क्या बैठ के उन्होंने सेम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जल्दी यार ये गान मार, चल गान मार। अच्छे क्वेश्चन पूछना मैं, अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा हूं यार। एज ये वो हां लोडू यार, क्वेश्चन बॉडी काउंट, बॉडी काउंट कितना है मेरा? बॉडी काउंट भाई मैं वर्जिन और देने में तो एक होगा। नहीं वर्जिन मुझे सारी बात चल ठीक है, पर गंड फटू वाले कब जाएगी तेरी? कौन सी भाई गंड फटू वाले था? कैसी भाई, मतलब एग्जांपल एग्जांपल दे भाई। ओए कॉल कर रहा हूं गया मार। तो ठीक है भाई, हमारा ब्रेक हो गया था, ब्रेक में हमने कॉल वोल लगा रखा था तो कॉल ज्यादा जल गई थी। तो मन्नू भाई पे जितने भी क्वेश्चन हुए थे, बाकी मेरा एक क्वेश्चन और रह गया आपसे। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या था लास्ट क्वेश्चन मेरा, मैं तो भूल गया। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन ये था कि अब तुझे आगे क्या करना है? आगे क्या करना है मतलब इस साल का? हाँ इस साल का, इस साल का भाई कुछ नहीं, इस साल एंजॉय करना है। जो भी करूँ लाइफ में गिल्ट ना हो, मतलब रेग्रेट ना हो कि यार ये चीज निकल गई, जो भी करूँ अच्छे से। गोल इज गोल।
छोटा होल बड़ा होल चलो ठीक है भाई, अब तेरे से खत्म हो गया, अब आते अपने भाई पे भाई ऐसा ऑर्डर चल रहा है। नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा भाई, अपनी मर्जी से जो मेरा मन करेगा वो चलूंगा ना। पहले आप हुक्का पिए, मत पिया करो भाई, हुक्का हुक्का ही रहने के लिए पागल है। अगर कोई छोटा बच्चा देख रहा है इन्फ्लुएंस मत होना है सब देख के, ये तो हमने ऐसे लग रखा यार, क्योंकि ये जो पी रहे हैं इनके घर पे पता है, तो तुम भी घर पे बता के अगर पी सकते हो तो पी लेना। ओके वैभव भाई, तो वैभव भाई आपकी जर्नी जो है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आप इतने कंफ्यूज क्यों रहते हो भाई? कंफ्यूज ही रहता, बस कई कर लाइफ में चीजें इतनी चल रही होती ना, तो दिमाग एक जगह हो नहीं पाता। तो बैठ 365 दिन आपकी लाइफ में, 365 दिन कुछ 365 नहीं, कभी कभी होता है दिन कभी दुकान वाले का, तुझे बोला राजा चावल कहेगा नहीं, चावल में छोले डलवा ले, चावल राजा मिक्स कर ले, यार एक काम कर, पापड़ भी डलवा लेते हैं, वो ऐसे आंसर देता है। चलिए आदत सुधारू होगी, 2024 में सुधारू, हमने रीजन पूछा है कि क्यों है वही, तो सुधारा नहीं पूछा है। अबे मेरा भाई पता नहीं, बचपन जैसा नहीं चला, मतलब मैंने कभी भी एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाता, मेरे को होता है कि जल्दी एडीएचडी है, तेरे को एडीएचडी है, यही होता है तेरा फोकस है, देख लो अभी एक चीज पे फोकस है, चल ठीक है भाई ये तेरा ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तू जॉब को अपनी पहली क्यों देता, मतलब पहली वो क्यों रखता है, और सेकंड तू इसको मतलब क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर को क्यों रखता है? भाई जॉब को पहले से रखता हूँ क्योंकि ये बात तुझे पता है कि जो इन्फ्लुएंस से ज्यादा तू डबल उसमें, मतलब जॉब से ज्यादा तू उसमें कमा लेता है, तो वही पूछ लो क्यों भाई? देख पहला मेरा सीन है कि पैदाइशी पागली बात नहीं भाई, देख अब जैसे तुम्हारा हिसाब है ठीक है भाई, तुम इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए कर रहे हो क्योंकि भाई जेन्युइनली तुम्हारे, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरे को कि जैसे YouTube वगैरह मैं करता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इतना ज्यादा ना रिटेन नहीं कर पाता। नहीं मैं तेरी बात बोलने वाला हिसाब है, इंट्रोवर्ट में स्टार्टिंग से ज्यादा नहीं, तू जिस हिसाब का है ना, तू पता है कैमरे के आगे ना कुछ अलग हो जाता है, जैसे तू कंफ्यूज करता रहता है, अगर तू व्लॉग में वही दिखाएगा ना तो लोगों को बहुत और मजा आएगा, लोग तो निकल जाएंगे छोड़ के। अच्छा है देख, मैं जहाँ से उठा हूँ मुझे ऐसा लगता है की मीम पेजों ने जो इतना मुझे फेमस कर दिया, बट तू भी ऐसा कर सकता है, तूने ऐसी हरकतें दिखाया तो भी हो सकता है, बट तू जॉब 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 तू अगर इस चीज में ध्यान देगा ना तो तू काफी ग्रो करेगा, मेरा एक पर्सनल भाई है। वही पहला वाला क्वेश्चन था, वही चीज है कंफ्यूजन भाई, तो फिर कंफ्यूज ही होता रहता हूं कि मैं तो वही तो पूछो भाई क्यों कंफ्यूज हो रहा है, जब तेरे पास सामने तेरा गोल तुझे फिक्स दिख रहा है कि हां मेरी ये लाइन है, जैसे मैं था, चल मैं भी तेरी तरह जॉब है, चल तेरा ही है, मैंने इसके इसमें बोल दिया चैनल में छोड़ूंगा कंफर्म जॉब, बट अभी एक चीज चल रही है मेरी, उस चीज का वेट कर रहा हूं, वो जैसी हो जाएगी क्या चल रही है, मोटा वाला है, मोटा वाला। और आगे मतलब तेरा कोई बिजनेस भी सोचा है कुछ? बिजनेस सोचा है भाई, बट अभी ये है कि पहले थोड़ा इसमें इन्फ्लुएंसिंग पे फोकस करूंगा, उसमें एक डेढ़ साल में लेके बैठे हुए। ओके देख, लड़कों का भाई यही काम होता है, उसका क्या रीजन था भाई? उसका यही रीजन है, सबको पता है रिलेशनशिप, कैचिंग वाला ये हो गया था भाई, मेरा एक टाइम पे इतना ज्यादा हो गया था, मतलब भाई मैं बोलूँ तेरा स्टार्ट कहाँ से हो, फेस कहाँ से स्टार्ट हो, कि वो तुम सबको ही पता है की जब सबसे पहली बार जेल में गए थे तो वहां पर एक बार हुआ था, एक बार टाइम वहां से कॉन्फिडेंस आया कि भाई हो सकती है बात, ऐसे भी लड़कियां मिल सकती है, फिर हम पहले क्लबिंग तो करते ही थे, सोई सेवन गए थे बर्थडे पे, वहां पर जो हुई थी दो कैचिंग हुई थी, फिर मेरे को वो भी क्लब नहीं था, वो प्रॉपर मतलब एक पब था, वो हाँ पब था, फिर भाई वो अब हम स्टार्टिंग से हम तो यही करते थे भाई, जिम ही करते थे, फिर बाहर खा लिया, फिर घर चले गए, डैडी सॉरी जिम करता है स्टार्टिंग से तू, वो तो भाई अब डाउन हो गया ना, पैसा बर्बाद होता है वहाँ पे, फिर मैंने जाना स्टार्ट किया क्योंकि मैं भाई स्टेबल हो गया था, पैसे उड़ा सकता था तब जा रहा था मैं, फिर वो जो बच्चे देखते वो तो भाई स्कूल कॉलेज कितना मीम डाली इसके लिए कि भाई आरुष भाई कभी बोलते क्लबिंग ना करो फिर करो करो, तो भाई हम वही बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही क्लबिंग, मतलब तेरा कहने का मतलब ये है कि एक लाइफ क्योंकि भाई बात है, पहले तेरा मेरा मन का क्या रूटीन होता था भाई, हम जिम में होते थे चार चार घंटे जिम होते थे, फिर उसके बाद भाई घूम रहे होते थे घर पहुंच जाते, तेरा बाप इधर बैठा उधर ना बता रहा, इधर बात करना, बात उनसे ही कर रहे पहले, तू तो सही है, दो साल पहले एक डेढ़ शौक पूरे करने हैं दुनिया के, जोन से भी शौक पहले उस लायक बनो कि पूरे कर पाओ, पूरे कर अपने माँ बाप को तंग करे बिना फिर करो, फिर करो मनवंश तेरे लिए ये लाइन मनवंश भाई। यार
और भाई तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि तेरे घर में नई गाड़ी आई, तूने अपने दोस्तों को क्यों नहीं बिठाया भाई? भाई नई गाड़ी मेरे को नहीं मिल रही, मैं तुम्हें क्या मिलूं? नहीं मिल रही काम में, माँ बाप के साथ बोले आगे के समय मैंने पता ही नहीं चलाई, मतलब चलाई है तो भाई साथ में था तब चलाई है, अकेले में नहीं मिल रही। और सारे दिल्ली गैंग के मेंबर ये भी कह रहे हैं कि तू काफी चेंज हो गया। भाई चेंज नहीं हुआ, बस वो है थोड़ा बहुत जॉब के चक्कर में, एक बार जॉब छूटेगी फिर साथ में आ दूंगा। अभी तू ये देख ले भाई, दो एक डेढ़ महीने पहले महीना या दिसंबर पूरी शादी पे निकल गया। अच्छा। फिर उसके बाद से भाई अभी डेली बेसिस पे रोहतक जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, तो टाइम ही नहीं मिलता। शादी से यार आया भाई, तूने अपने दिल से हमें शादी में क्यों इनवाइट क्यों नहीं करा? ये कट कर दो भाई। लोग कह रहे थे रुक जा भाई, बाकी अब तुम तीनों के पास कोई क्वेश्चन आया तुम भी पूछ सकते हो। मेरे को तो बुलाया नहीं इसने। एक तो तू जैसे घटिया बंदा ही देखा मैंने, क्या घटिया बंदा? रात तेरी पता नहीं कब होती है, सुबह तेरी कब होती नहीं है। तू बुलाएगा नहीं शादी पे? तेरे को बुलाया था भाई, ऐड किया था। तूने बोलते क्वेश्चन इस पे आ गया भाई, एक तरह से एक क्वेश्चन ये भी रह गया मेरे दिमाग से भी स्किप हो गया, अब याद आ गया। तू ये टाइम का मुक्चुअल क्यों नहीं है भाई ये बता? वहां भी सुन, रुक जा, तुझे याद है जहाँ तेरा वो कॉम्पिटिशन जो भी पेपर पढ़ने गया था वहाँ पे तेरा ये भी सीन हुआ था, वहाँ पे लेट हो गया था। बस तो अपनी गलती के और जो मैं टाइम का पंचुअल काम इसलिए करता हूँ। डिलीट हुए घूमता हूँ पूरे दिन, सो अपना सिंगल लोग चलो भाई तेरे पे, और तुम तेरे से और पूछ लो, तुम दोनों का रहेगा, तुम पूछ लो कुछ रहेगा तो मैं क्या पूछू इससे? मेरा क्वेश्चन है भाई, मेरा क्वेश्चन है पूछ भाई। मुझे ऐसा लग रहा है तू जैसा पहले वाला वैभव था लॉकडाउन में, वैसा बंदा जा रहा है तू, याद है? हेडफोन वाला? हेडफोन वाला नहीं, जब भाई भाइयों से कुछ सवाल नहीं होते, अंडरस्टैंड करो बस, वो नहीं समझ चुके हो होता आ रहा बस। चला मैं तू बता, तेरे लिए इसका कोई है क्वेश्चन? नहीं क्वेश्चन नहीं है, कोई भी नहीं, ओनली लव फॉर हिम। दीवार पप्पी ये और पप्पी लड़की है ना, लड़की बना दिया था भाई, पप्पी लड़की को देगा। चलो भाई अब आते हैं मेरे बंदर भाई पे, जो रास्ते जाते हैं हंसते खेलते सबकी बहन चोते जाते हैं, कभी बोलते ये ना करो, कभी कहते वो ना करो, पीठ पीछे बहन वाला कैमरा मेरा भाई सब कुछ कर रहा होता है। तो फिटनेस जी, पहले तो आप पहले ये बताइए कि आप इतनी जल्दी कम टाइम में इतना ग्रो कर गए, आपको कैसा फील होता है? कम टाइम तेरे लिए होगा भाई, मेरे को तो 7-8 साल हो गए। नहीं नहीं अबे मैं कह रहा हूं भाई, बट एक बात हूं, ये बात सही बोल रहे भाई, जैसे तेरे बड़े हैं ना छोटे भाई। अबे पर वो ऐसा नहीं होता, तेरे को पता क्या होता है, 5 साल की मेहनत है, एक ही बार रन दिखाती है, लोगों को ऐसा लगता है रात की सक्सेस है, वो रात की नहीं होती, वो 5 साल की मेहनत है ना, मैं कब से कर रहा हूँ। अब सबका यही होता है भाई, कोई मेहनत करता है, वो मेहनत करता रहता है और फिर अचानक से उसको सबका रिजल्ट एक साथ आता है, एक बार जब बहन चोद हम बहुत पहले कर रहे थे बात की भाई, जिसके मिलियन फॉलोअर होते हैं ना बहन चोद, उसको दुनिया जानती है, मतलब हर बच्चा जानता, हमने करी ना एक बार बात, ऐसे थोड़ी होते हैं मिलियन फॉलोअर, और अब मिलियन फॉलोअर हुए ना तो हमें इतनी बड़ी चीज पता ही नहीं लग रही, क्योंकि हमें एक टाइम पे दिमाग में पता ही था कि भैंड तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो होने ही होने हैं, तो अब वो है कि यार इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। वो दिन याद आता है जब मन्नू अमन की पहले दोस्ती हुई थी, फिर हमारे साथ ही आया था, तो हम पहले दिन जब सारे वायर रिटर्न गए थे रजौरी, मन्नू ने ब्लॉगिंग करी थी, हम सब तभी सबको वो आया था कि सारे करेंगे, सारे करेंगे, पागल टकला हम तो ज्यादा लगता है मान लेते ना, हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, बट ये यूट्यूब वगैरह पे तो नहीं, ये तो पहले से करा था, ब्लॉग कर दिया था पर पोज ले लिया था। अबे ये देखो तू तो पागल हो गया, तेरे को क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा मैं, पर एक लाइक बैक ऑफ द माइंड पता ही था, और अभी भी पता है कि बहन का यहां पे स्टॉप नहीं है। और चलो पहले सेकंड चीज से मैं छोड़ दिया है,
पूरी रात मेहनत करी है रोटी के लिए, रात देखो रोटी मिली, अब क्या कैसा लगेगा? अबे चूतिया, ये मतलब इसका मतलब ये था कि इसका बाप उसको कहता था तू इसके सुनार की दुकान पे लेके गया, हर जगह लेके गया, पर कुछ नहीं हुआ। डर रहा इसकी लाइफ में, मैं उस लेवल से पूछ रहा हूँ, तुझे कैसा लगा? नहीं भाई मेरे को चल भाई सेकंड क्वेश्चन ये है, ये लड़के खुल के ना लड़कों से डिस्कस नहीं करते, पर भाई अंदर अंदर रात में अबे सबके बाप की देख रहे हैं क्या बताऊं, चल 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 ये डिस्कस मतलब बात तो मैं बात कर रहा हूं यार, तेरी बहन की क्यों कर रही नहीं भाई तो मैं चल चल हां हां ठीक है मटके भाई को समझ गया, बता रहा हूं हां बढ़िया लगता है यार चल सेकंड। हाँ भाई फोन छोड़ दे भाई, तो भाई सेकंड क्वेश्चन ये है मेरा तेरे लिए कि तू कोई भी तेरे मिलियन या 500 के 100 के या सिल्वर बटन कुछ भी आता है तू कुछ बोलता क्यों नहीं है, तू बिल्कुल शांत सा हो जाता है? भाई वो मैं खुद से बात कर रहा हूँ, बट नहीं यार लोगों को तो दिखा भाई, लोग तुझे अपना आइडल समझते हैं तो उनको भी तो बताना कुछ, तू बताता क्यों नहीं है? भाई वो देख ही रहे सब जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जो तब भी आते वो पुराने व्लॉग देख लेते हैं, धोनी का देखते हुए शाम को भी धोनी एक्साइटेड नहीं हुआ, जब तक तू इसे वो क्वेश्चन पूछ, मैं सोच रहा हूँ बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया, पूछना थोड़ा तू भी पूछना, ये क्या बात है बैठ के लोड़े कोई नहीं पूछ रहे नया प्रोडक्ट भाई माँ की भोसड़ी सबकी What's your YouTube income? हाँ भाई हाँ सबसे ये क्वेश्चन सबसे पहले तेरे से YouTube income क्या है? होगी ना बढ़िया तेरी कितनी आती है भाई YouTube income? की बहन राज्य आश कर रहे हैं आई बुल बोल है तेरी कितनी है? बस आश कर रहे हैं राज्य भाई, फिर भी कोई नंबर तो दे चल। अच्छा चल ऐसे बता दो कि कितने डिजिट्स में है? हाँ 10 डिजिट्स मतलब कितने नंबर बता चल ऐसे बोलते थे लाख लाखों में सब लखपति है, यही सब लाखों में सब यही सब लखपति। मैं एक चीज बता सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने वो देखा था जो टॉप इंजीनियर की सैलरी होती है ना सबके ऊपर है, जो सबसे हाईएस्ट इंजीनियर की पोस्ट होती है उसकी सैलरी से सबके ऊपर है। क्लियर यार वो क्या छुपाना की कमा रहे दादा ये बता रहे अबे नहीं, पर वो कुछ यूट्यूबर होते हैं ना वो बाकियों को कहते हैं कि इतने पैसे नहीं है इतने पैसे नहीं है, कुछ बैंक को पैसे कमाते रहते हैं, पैसे अच्छे खासे है पर सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, फील्ड सबके लिए नहीं है, पर अगर तुम कर सकते हो तो करो भाई, सही बात है, ट्राई जरूर करना भाई। जैसे मेरी थिंकिंग थी पहले लगता था कि सोशल मीडिया भाई कब आज है कल खत्म हो जाएगा, बैठ गए कितने भाई कितनी घटिया चीज है भाई, मत ये रोटी है भाई किसी की। चल भाई वो बच्चे हैं तो उड़ाते हैं, पर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई तेरा ये है, ग्रुप के अंदर तेरे पास अगर लड़की नहीं मिलती तो सबकी को बेंच होने लग जाता तू भाई ऐसे ऐसे हां चल 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 मैं चुप रह। जैसे तेरे को ये है कि तेरे व्लॉग में मैंने देखा तू कह रहा है कि भाई अभी रिलेशन वगैरह सब पे मैं फोकस नहीं कर रहा क्योंकि अभी मेरे को कमाने पे है, तो भाई देखो मतलब कभी ऐसी फीलिंग आई कि देखो मतलब अब सही उम्र आ रही है कि अब कोई चाहिए लाइफ में, चाहिए उसमें रिलेशनशिप मिल नहीं रहा है, देखो तो चाहिए मिल नहीं रहा है, चाहिए देखो लगता है जैसे कि तू अभी इस टाइम पे निभा लेगा या प्रॉपर टाइम दे देगा सीसे बिल्कुल अभी भाई मैं तेरे को मजाक से लड़के बताऊं, अगर मेरे को कोई ऐसी लड़की दिखेगी जिसको मेरे को लगेगा कि ये सब ठीक है तो मैं दूसरे वाला आरुष बन जाऊंगा, मैं दूसरा वाला आरुष बन जाऊंगा भाई, मैं ये सब लड़कियों को फालतू बोलना बात करना मैं किसी लड़की से भाभी म्यूजिक वीडियो ले लेना ऐसे मजाक करके तू वैसे भी ऐसे बात नहीं करता किसी से,
भाई मैं पहले वाले हिसाब से देख रहा हूँ क्यों नहीं करता साथ भाई मैंने कभी किसी लड़की को जो झूठ बोले कमिटमेंट नहीं दी साफ क्लियर पता लड़की को जिसको नहीं दी कमिटमेंट नहीं और अगर देखो लग रहा था कि उसको आ रही फीलिंग से तू पहले ही बोलता है भाई ये वो पहली टॉप से क्लियर करके था मेरा पहले से क्लियर रहता किसी भी लड़की से मेरी बात हो रही है कुछ हो रही है मैं फॉल्स ऑफ्स में कभी नहीं रखता क्योंकि भाई मैं खुद एक बार झूठी उम्मीदों में रहूं मैं जो बंदा खुद होगा खा रहा है एक साथ बात जब तूने ब्रेक का स्टोरी बनाई तो तूने क्या सोच के बनाई थी क्योंकि वो नहीं ये क्वेश्चन मेरा तो ये बता जो तेरा वो ब्रेकअप स्टोरी मतलब तेरे मेरा बूस्ट वहीं से करा था यूट्यूब तो वो ब्रेकअप स्टोरी अब लोगों को बता काफी लोग तेरे से पूछते हैं क्योंकि जितने मैं तेरे साथ रहता हूँ तो वो सब पूछते हैं भाई ये रियल था भाई सच था ये सच था ये सच था तो वो पूरा भाई अगर तुम वो वीडियो देखोगे तुम्हें शक्ल देख के पता लग जाएगा कि झूठ नहीं बोल रहा इतना चैप्टर तो सच्ची बोल रहा था मैं सारा क्योंकि वो सब बातें मैंने कभी किसी से शेयर नहीं करी थी कैमरे पे पहली बार करी थी तो वो सारी जो जो थी एकदम सब निकल गई थी वो दिल से तो वो सब सब कुछ सच था और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ठीक है भाई तू जितना करता है मतलब तू हम सब में से सबसे व्लॉगिंग में तू बिल्कुल रहता है डेली तुझे करना है तूने पहले ग्रो करा है तू पूरी दिल्ली गैंग को साथ लेके चलता है वो बता लोगों को क्या रीजन है पीछे कि तू सबको साथ लेके कैसे बैलेंस करके लेके चलता है वो ले मार दे कपिल शर्मा जी भाई साथ लेके नहीं चलता मेरा तो नहीं अपने दिल से नहीं भाई नहीं मेरा दिल से यही है भाई क्योंकि जिनके साथ सपने देखे थे उनके साथ पूरे करो तो मजा आता है अब स्टार्ट हम तीनों ने करा था तो साथ में ही सारे वो तीनों करते रहे तो ये मजा आता है क्योंकि अभी जैसे स्पॉन्सरशिप की बात हुई थी बिग मसल से तो मैंने उसे यही कहा था मैंने कहा भाई दोनों भाई साथ करेंगे तो करूंगा क्योंकि मेरा वो हो रहा था मेरा उससे पहले ये था कि भाई पहले अगर ये दोनों करेंगे तो भी मैं करूंगा क्योंकि अगर मैं अकेले नहीं आ रहा ये दोनों अकेले नहीं आ रहे क्योंकि मेरे को पता था उस समय वो मेरे कहने पे कर लेता या जो भी होता मैंने कहा भाई ये दोनों भी करेंगे तो मैं करूंगा और कोई ऐसे होता है कि जैसे कोई बड़ा दिन है वो है तो मैं कहता हूं भाई जो पहले साथ थे वो भी साथ आए तो बढ़िया भाई ये अब मेरे को मिलियन स्टार्टिंग में थे मिलियन 5 मिलियन 6 मिलियन वो जितने भी फॉलोअर थे जितने भी सबके है वो सब मैसेज ऐसे करते रहते हैं बट मेरा अपना मूड रहता है तो लोगों को मेरे से अकेले में मिलते हैं तो वो कहते हैं भाई तुम लोग में इतना एक्टिव रहते हो वो करते हो सामने हमसे क्यों नहीं बात करते भाई मेरा नेचर है एक्सट्रोवर्ट का बट मेरा उनके साथ है जिनके साथ मैं स्टार्टिंग से हूं कोई नया बंदा आता है मेरे को उसकी आंखों में इतनी तो समझ है आंखों में पता लगता है ये बहन जो कोई सब्सक्राइबर भी फोटो खिंचवाता कहता है भाई रीपोस्ट कर देना कुछ कुछ मिलते हैं मेरे को कि भाई फोटो नहीं खींचे आराम से बात कर घर के अंदर घुसने वाले होते हैं उनको मैं मना कर देता हूँ भाई उस चीज याद है जब मैं कहता हूँ भाई जो बंदा आते थे मैंने तभी तेरे को बोला था अपना घर मत दिखा बैंड के लिए जब ज्यादा व्यूज आएंगे ना दिक्कत होगी देखो तूने कह रहे मागी नहीं बट कहीं मैंने कहीं लड़के से रोया था नहीं हमने कई बंदे इसके घर तो नहीं दिखाएगा कई बंदे इसके घर भी आए हैं जो उन्होंने एक फोटो भी क्लिक नहीं कराई वो दिल से मिलने आया है भाई पर मैं कह रहा हूं तुमने व्लॉग भी बनाना तो भी घर आओ भाई मैं घर की मेन ये दिक्कत होती है मेरी मम्मी घर पे अकेले होती है कभी कभी मेरी बहन होती है तो मैं घर पे होता ही नहीं जाई होती है बहुत कम होती है वो डिस्टर्ब होते हैं बिना बात से तो और तुम आ जाओ मैं ना मिल पाऊं मेरे को भी बुरा लगता है इसलिए घर आना ही छोड़ दो ये कोई बाहर मिलू आधे घंटे आराम से मिलो मेरे से ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि भाई क्योंकि काफी इंडस्ट्री में मैंने देखा है लोग साथ में जाते काफी बॉन्डिंग टूट रही होती है अब मैं नाम ही लूंगा बट तुम्हें पता है ऊपर चला गया मैं तेरे से उल्टे सीधे तरीके से बात कर रहा हूँ जो स्टार्टिंग से बंदा है उसको वैसे ही रहना चाहिए क्योंकि ये चीजें इसका सब कुछ सेम था बट जो तेरा वो हुलिया जो तूने रखा था ये वो तूने क्यों चेंज करा हमारा क्वेश्चन मेन ये है भाई वो चेंज इसलिए करा समझ आ गई ना वो बचपन में शो होता बंदे को थोड़ा ऐसे वैसे कर ले बट धीरे धीरे जैसे मेरे को ये सब पहनने का हाँ जैसे अभी ये छपरी बना बड़ा बट धीरे धीरे जैसे थोड़ा बड़ा होता है जैसे फिर समझ आ जाता है कि यार घर वाले भी कह रहे हैं खराब लग रहा तो डिसेंट बन के रहो क्योंकि सिंपलिसिटी से बढ़िया ज्यादा कोई भी फैशन नहीं है और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भाई मुझे पता है तूने नमक मिर्च में रोटी खाई है नाले का पानी पिया था पानी तूने पिया था और जूते भी तेरे पास जिम के पहनने के लिए नहीं थे चप्पल में गया था तो जिम तो तूने पहला जूता सबसे महंगा कब लिया था सबसे पहला तो एयरफोर्स ही लिया था 8,000 का जो मेरे लिए महंगा था तो कैसे फील आई तुझे सबको पता है ब्रांड चोरी थी पूरे मॉल की पूरे जिम की हर जगह वही 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 जूते दिख रहे थे आज आप पहन के वो जूता आया क्योंकि परसों परसों मैंने दो सेम वो और ले लिए वही वाइट एक साइज के लिए अपने लिए अरे कर ले ले अच्छा सही है तरक्की होगी चलो ठीक है भाई अमन को पूछ उसने पूछा नहीं अमन एक बार तू इससे पूछ आरुष है तू भी मेरा वही क्वेश्चन था पूछ तो लिया क्या पूछा था वो ब्रेकअप स्टोरी वाला तेरा कुछ रह गया इससे नहीं तेरा हो गया भाई
तो बात है भाई हमारे अपने थैली भाई पे पहले जोरदार पहले आएगा स्वागत करो क्योंकि इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि ये हमारा मेन वो है मसीहा। तो भाई पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपकी लाइफ में जो पहला फेस आया था कि पावर लिफ्टिंग का 6 महीने, फिर 6 महीने बयान का लड़ाया आपका व्लॉगिंग का, फिर 6 महीने आपका आया कि मुझे प्रोटीन रोटीन की दुकान खोली, फिर 6 महीने आया अब लड़की चूसूंगा मैं। तो मेरे भाई आपका नेक्स्ट फेस अब क्या है आप ये बता दोगे हमें प्लीज। दिल्ली जो दिल दिमाग में वो करते चलो जब आए वकील का अपने घर वालों को कहने पे करा था या फिर किसी को नहीं पता। जैसे इसने ड्रॉप लिया था 1 साल, वैसे उसी साल मेरा भी ड्रॉप था क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था कॉलेज वॉलेज ज्वाइन वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है तो सबने वो दे दिए क्या कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, मैंने दिए ही नहीं एक भी। और हम जेनेटिक जिम नहीं जाते जब तो बेंचो सबके रिजल्ट आ रहे, मेरा विप्स हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया, तेरा भाई बैठा हुआ वहाँ पे ये क्या हो रहा पसीने पसीने। और उस दिन मेरे पहले हाथ पे चोट भी लगी थी जिम में। अच्छा क्योंकि दिमाग खराब, फिर मैं घर गया, घर वाले भी बोल रहे थे, घर वाले कह रहे क्या कर रहा है जिम जा, तब भी यही जिंदगी थी अब भी यही जिंदगी है। और उस टाइम पे भाई 1 साल बाद ही मिला। तो नहीं रीजन क्या है कि तू फिर वकील की लाइन में किसने बोला? बता रहा हूं मैं। तो तू ना रोकी क्या बैंगलोर कर यही बोलने लग गया ना। और भोसड़ी भी मत बोल। तो 1 साल उसके बाद मैं पूरा कट ऑफ हो गया, किसी से नहीं मिलता हूं, किसी से भी नहीं। इससे अलावा जिम जाता था और कुछ नहीं। अरे भाई किसी से नहीं मिलता था, पता है? हां नहीं मिलता था। अच्छा फिर सिर्फ जिम विम, अपना पापा की फैक्ट्री चले जाता था बस वो। फिर पापा को ले गया मैं एमिट यूनिवर्सिटी, मैं पापा एडमिशन कराओ, कह रहे कितना है लेंगे भाई जितने भी लेंगे ये कराओ। तब बच्चा दिमाग, फिर वो समझ आई मैं ये ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा ड्रॉप हो गया तो हो गया, अब जिस पे जो चीज है सामने उस पे फोकस करो। फिर मैं जिम में लग गया अच्छे से, बॉडी वॉडी बनाई 50 किलो सीधा 72 किलो 1 साल में। अच्छा फुल तगड़ा हो रहा। फिर अगले साल एंट्रेंस वगैरह दोबारा दिए। और लॉ का मेरे ना ऊपर एक दीदी रहती है वो लॉयर अच्छी खासी। तो मैंने कहा यार पढ़ाई वढ़ाई मेरे को तो करनी नहीं बट डिग्री के लिए कर लेता हूँ चल। तो आपने कहा चल ये कर ले, एक रुतवा भी होता है समाज में कि भाई लॉयर है वो। तो मैंने उस हिसाब से कहा चलो कर लेता हूँ। अच्छा बंद हो गया क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर मैंने कहा चल मेरे को कुछ और कोर्स समझ आ नहीं रहा, बीबीए सीबीए मेरे को समझ नहीं आते थे, मैं कुछ करूंगा तो ढंग का करूंगा। तो अपन का ये कर ले। फिर एंट्रेंस वगैरह दिया, कॉलेज अच्छा मिल गया। तो बस यही था कि फिर लॉ के उसमें घुस गया। 1 साल कॉलेज जाता था, बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करता था। फिर मैंने ये भी अपनी बस फिर मैंने थोड़ा घर फिर वही लाइन चेंज, फिर वही लाइन। सुबह उठे शाम तक जिम जाने का वेट किया, फिर जिम गए, बस यही लाइन। फिर अभी तक वही चल रही है। तो मेन तूने ये तो लॉक कर ली ढंग से, मतलब कभी फेल वेल नहीं हुआ, एक आधी बैक आई होगी बस वो क्लियर कर दी, सारे एग्जाम वगैरह दे दिए। बट अब ये है कि सर्कल है, कुछ भी काम होता है लीगली वगैरह तो इतने यार दोस्त है अच्छे खासे, जैसे तुम भाई हो ऐसे और तुम मिलते ही हो सबसे, तो कुछ काम होता है निकलवाना सब। तो भाई मतलब लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में वो सारे हर वकील 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 में लगे हुए हैं। भाई प्रैक्टिस करना अलग है, डिग्री लेके तो बहुत लोग बैठे हुए हैं, डिग्री तो तेरे को दिलवा दूंगा ऐसी। बट एक फिर भी होता है कार्ड है ना तो थोड़ा रिक्वा तो रहता है जैसे तू दिखाता है। हाँ, तो यार पेट्रोल पंप डायरी याद है मुझे। कहाँ गया ये ले लास्ट रह गया जो हाँ पूछ अगला क्वेश्चन से बना ले तो इसका एक लेवल एडवोकेट की स्टोरी बना लो। बाकी घर से बना ले जैसे कि प्रैक्टिस कर ले और पढ़ाई कर ले ये पेपर। ओके एंड द थर्ड क्वेश्चन इज जो कि मेरे वैभव भाई का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। अभी वैभव भाई देखो कैसे निकल के आएगा, पूरे दिल्ली गैंग में सबसे ज्यादा पैसा तेरे पास है। मेरे पास? हाँ ये तो सच बात है। मतलब तूने वो कर लिया? नहीं नहीं ये नहीं है, मतलब ये ह्यूमर था। अबे मैं कह रहा हूँ नहीं है पैसे इतना। ह्यूमर को कह रहा हूँ जिस दिन होगा बता दूंगा भाई।
भाई तूने पावर लिफ्टिंग लास्ट कॉम्पिटिशन अपना खेला, उसमें तेरा लास्ट तूने स्टेट खेला, टेक्निकली मेरा गोल्ड आया था, नहीं रुक तेरा लास्ट दिल्ली स्टेट खेला, तू बहन चो बेस्ट लिफ्टर, सीनियर बेस्ट लिफ्टर से इतना सा रह गया है ना आधे किलो से, वरना तेरा सीनियर बेस्ट लिफ्टर होता दिल्ली में बहन चो, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद तू नेशनल खेलने गया, चल कोई नहीं वहां पे थे तगड़े बंदे, कोई बड़ी बात नहीं है बहन चो, क्या हो गया ब्रोंज मेडल आया, पता अनप्लान था, मैं ऐसे चला गया, अनप्लान था, ऊपर से तेरा ब्रोंज नहीं तेरा सिल्वर आया, क्योंकि कुणाल स्टेरॉइड था, सिल्वर आया तूने छोड़ क्यों दी उसके बाद, मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई। यार देख पावरलिफ्टिंग में तेरे को पता है फ्यूचर इतना है नहीं, फ्यूचर नहीं है, पर फिर भी वो नहीं रहता तेरे को अंदर से, वो नहीं कहता कि बहन का लोड़ा एक बार गोल्ड लेके छोड़ दूं मां की चूत, तो मैंने प्रॉपर वो थोड़ी छोड़ा है, छोड़ी है जाने पे दोबारा खेल रहा है तू, हां तो अभी नहीं कर रहा ना, अभी फिजिकल वाला खेलेगा, मतलब तेरा है प्लान आगे खेलने का, काफी सारी चीजें थी, फिर बहन को तेरे को पता कितना मेंटली वो होता है, तो बाकी रेस्ट पे है अभी, छोड़ा नहीं है तू रेस्ट पे है, पर तेरे को ऐसा लगता है कि मतलब पावर लिफ्टिंग में जो यूट्यूब पे है तेरे को मतलब बंदे जानते हो पावर लिफ्टिंग की स्टार्टिंग ही ऐसी है, लिफ्टिंग की वजह से जानते हैं, लिफ्टिंग की वजह से ही जानना शुरू करा था, इसलिए लिफ्टिंग की वजह से पसंद भी करा करते थे लोग इसे, पर जब इसमें बाद में बोला ना, याद है अभी तक याद है मेरे को, आज पता लगा सिर्फ बहनचोद 365 डेज है कितना पावर से, सिर्फ बावन हफ्ते बचे हैं मेरे पास, छह महीने वो अलग है, और एक डिसिप्लिन में जब तेरे रिजल्ट आता है ना उसका एंजॉयमेंट अलग होता है, आदत की बात है कि तुम तू किसी चीज के लिए मेहनत कर रहा है ना पांच छह महीने से, और वो चीज जब तेरे पास आती है तुम बहन तो तेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता भाई, देखो मनु वैसे वही तुमसे पावर लिफ्टिंग करते हो, तो मैं लगता है कि भाई आगे जाके सही में बढ़ेगा या भाई पुलिस में आ गई, दिल्ली पुलिस में आ गई, मतलब दिल्ली पुलिस में पावर लिफ्टिंग आ गई, मतलब जा दिल्ली पुलिस, क्योंकि पहले ये था पावर लिफ्टिंग में इतना पैसा लगा के जाओ, पावर लिफ्टिंग में सिर्फ रेलवे था, सीआरपीएफ दिल्ली पुलिस और जम्मू पुलिस आ चुकी है, ऐसा है पावर लिफ्टिंग में नहीं है यार, कहां से पैसा है, तू पैसा अपना लगा के जाता है भाई, पर पावर लिफ्टिंग को दिखा गई तो पैसा कमा, तू समझा नहीं, जैसे अब वो अरे अब गधों की तरह तू तू भाई देख, एक ऐसे मैं तुझसे बात कर रहा हूं, एक क्रिकेट है, क्रिकेट वो नहीं, मेरी बात सुन, क्रिकेट है, चाहे वो बंदा सोशल मीडिया करे ना करे, क्रिकेट सिर्फ खेलेगा तो ही पैसा है, ऐसा पावर लिफ्टिंग में है नहीं, अभी नहीं है, क्रिकेट जितना पैसा नहीं है, पर अगर सिर्फ पावर लिफ्टिंग करेगा तो ये है कि जैसे अगर नॉर्मल बंदा जो जॉब कर रहा है उसे बेटर जॉब जॉब कर लेगा, अरे चूतिए तो वो जॉब गवर्नमेंट में लगे मिलेगी तो दो दस को, जैसे पावर लिफ्टिंग कर रहा है तो क्रिकेट जो कर रहा है, वो क्रिकेट का मैच खेल रहा है, उसको मैच के बाद पैसा मिलता है, तो पावर लिफ्टिंग जीता तुम्हें उतना पैसा नहीं मिलता, क्रिकेट में अगर तू मैच खेल रहा है तू अंडर परफॉर्म करे जीरो पे आउट हो जाए कुछ तेरे को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रेयर केस है, मतलब हर बंदा बहुत बंदे इंडिया में गिने चुने 10 बंदे होंगे जो अच्छा कमा रहे हैं पावर लिफ्टिंग में, 10 भी ज्यादा बोल दिया मैंने, पर अगर जॉब का ये कर रहे हैं मतलब, क्योंकि यार देख स्पोर्ट के अंदर वो बंदे नहीं आते जो बहुत अमीर होते हैं, वो आते हैं जो बहुत नीचे से शुरू कर रहा होता है, बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, तो उनके लिए अगर गवर्नमेंट जॉब मिलना भाई बहुत बड़ी बात होती है, एक सिक्योरिटी रहती है, पावरलिफ्टिंग रिस्की स्पोर्ट भी तो आता है भाई, हर स्पोर्ट रिस्की है भाई, इंजरी इंजरी प्रोन तो है ही, अबे वो नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ अगर तुम नहीं नहीं पावरलिफ्टिंग नहीं है, बॉडी बिल्डिंग ज्यादा है, बॉडी बिल्डिंग तो भाई फिर तो पता ही, वो तो स्टेरॉइड यूज भी बहुत ज्यादा, और बॉडी बिल्डिंग पावरलिफ्टिंग से ज्यादा खराब है, ले वो तो है, तो हाल क्या कर देंगे बॉडी बिल्डर जो अभी हाल किया होगा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग के अंदर तो तू कुछ भी मेडल ले आ तेरे को जॉब मिलनी नहीं भाई, ऊपर से स्पॉन्सर भी देखो इतना सा पैसा देंगे और कितना पैसा लगाना होता है बॉडी बिल्डर्स को, तो उससे अच्छा तो पावर लिफ्टिंग ही है भाई, देखो ना स्टेरॉइड यूज करना, देखो ना कुछ यूज करना, बस जिम में जा वेट उठा बैठ, तो कॉम्पिटिशन में जा वेट उठा मेडल, चल भाई अब लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुझे बीच में सब पागल पागल क्यों बोलना घोषित हो गए थे, सब पागल पागल बोल रहे थे,
मुझे याद भाई तुम बताओ बता भाई तुम बताओ मेरे को ये लगता था हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबकी लाइफ में फेस आते हैं ठीक है इसकी भी लाइफ में आया था क्या आया था वो सब समझ तो मुझे उसके थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई उस चीज के बाद ना मेंटली डिस्टर्ब होता बंदा उस टाइम पे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती थी नीचे वो तो बताई है इसका वो तो बताई है फन वाले उसमें था ठीक है अरे मतलब मजाक था नहीं पर बैन कर अच्छा चल सीरियस क्वेश्चन पहले पॉडकास्ट आप बोल बैठे हो जड़ी सुन ना तेरा ब्रेकअप हुआ था देखो बुरा तो लगा होगा ऑब्वियस फैक्ट पर होगा तो एक बात ये बता तो तू सभी को अमन फिर ये बता तू रिलेशनशिप में क्या एडवाइस देने जाएगा मतलब तेरा मुझे बहुत साल का था तो तू तेरी माँ की झूठ फॉरवर्ड क्यों मारता है पहले ये बता ब्रेकअप हुआ तेरे बुरा लगा तू मूव ऑन कैसे हुआ उससे बाकी जो लोग कुछ बंदे होते हैं लड़ू भाई तो पूछा था तेरा भाई कह रहा है कि तू क्या उनको किसी को एडवाइस क्या देगा तू भाई ये मूव ऑन ऐसे होता इसको मैंने कहा था ब्लॉगिंग कर ढंग से क्योंकि उस समय यही काम कर रहा था तो उसमें बिजी रहने लग गया था डेली व्लॉग्स वगैरह डालता था जब बंदा किसी चीज में प्रोडक्टिव होएगा तो मूव ऑन अपने आप करेगा काम मतलब काम करने लगो जितना काम किसी और चीज से प्यार करने लगो चाहे वो कोई और लड़की हो या काम ये बढ़िया था गुरु ये बढ़िया था तब मैं लड़की से ही प्यार करता हूं हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम वन गर्ल गेट अनदर गर्ल नहीं नहीं ऐसा नहीं है अच्छा तो मतलब तू मूव ऑन हो गया और अब तू एडवाइस को लोहा काटता है लोहे को लोहा काटता है लड़की धोखा दे रही है लड़की ठीक करेगी अच्छा अब तूने समझाया सुन अब इस दो लड़के डिक्कर जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में उनको क्या एडवाइस देना चाहेगा कि बच्चों बचना कैसे ऐसी चीजों से भाई बचना ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस हो तो काटा मार दो अच्छा ठीक है ये ठीक है ठीक है लड़के और भाई याद है बहन के लोड़े मैंने तेरे से एक बार गाड़ी में क्वेश्चन पूछा था कि भाई तेरा लॉन्ग डिस्टेंस है तेरे को कुछ वैसे नहीं होता शक हो तूने कहा नहीं यार अंडरस्टैंडिंग है दोनों की मतलब ये मटके ने भी क्लियर बताया नहीं ये कैसे ये तो चल बता दिया कि काम में लग जाओ तेरे हिसाब से क्या कि जैसे अगर मूव ऑन कर रहे हैं भाई यही है किसी और चीज से प्यार करना शुरू कर दो बाकी याद करो कि जो गलत हुआ था बुरा मतलब मैं तेरे साथ ये भी कह सकता है कि दोस्त भी दोस्त यार का बहुत होता है भाई तेरा बिल्कुल वो भाई बहुत जरूरी है तूने पावर ब्रेकिंग की प्रैक्टिस तो तभी शुरू करी थी मेरे ख्याल से जब तेरा हुआ था ये नहीं ये पहले से कर रहा था पहले तेरी दो साल पुरानी लाइफ और अब की लाइफ कैसा लगता है और ये चेंज देर में क्यों आया ये क्यों लगता है ये चेंज क्यों आया तो दिल साफ था जो था मेरी कोई नियत वैसे नहीं थी प्रॉपर भाई अबे तू मैंने वो फोन पे बच्चों दी स्टार्ट नहीं तो बात सच है वो सच थी भाई ठीक है और जो कहा यहाँ पे ये था कि पहले मंडे से लेकर सैटरडे पूरी सुबह उठना दिमाग में बस यही चलता था वही एक संडे मिलता था वह तो सोता था फिर रात को मोमोज में शाम को खाने फिर वही मंडे बहन करना शुरू हो जाता था और जॉब में इसको पता होगा वैभव ने करा हमारे घर में से किसने जॉब नहीं करी बदमाशी वाला तूने कैसे सोचा आइडिया कि ये बनाना चाहिए यार क्योंकि जब वहां पे हम कहीं क्लब फर्स्ट टाइम गए थे तो वहां पे 24/7 के बाहर बैठे हुए थे उसने मुझे वैसे पूछा था जोर सब मेरे टट्टों के नीचे है तो वहाँ पे वो इतनी वायरल हुई इतनी वायरल हुई फिर वो बदमाशी के मायने मायने लगे तो फिर इसने गिनने ने बोला कि तू बैठ लो जिस आपका है ना तू सूखा पतली हड्डी सा है तू ना बदमाशी के ऊपर जा तो फिर लोग और अच्छा मजा आएगा तो वो उसके दिमाग में फिर इसके साथ बैठ के नहीं तो नहीं बदला वो छोड़ दे तू तो इसने जब मेरी वहां पे काटा
तब उसका एकदम से ऐसे निकल गया वो, तब से वो उसके नजरी याद आ गई, वो बढ़िया थी वो, उस दिन बढ़िया बनाई थी। अभी मत बोलना मैंने कहो अभी फिर उसको मारो कोई काटो वाटो निशान दो, वो आज भी निशान है भाई। नहीं जो असली बदमाश है जो बदमाशी कर रहे हैं उनको क्या राय देना चाहेगा तू यार? बदमाशी का एंड क्या है, मौत है और कुछ है नहीं भाई, सिंपल सी बात है। मौत तो पर भाई आरुष वाला सेम क्वेश्चन जैसे पूछते हो कि मतलब तू भी भाई अच्छे भगवान के इनसे बहुत अच्छा ग्रुप है, तू भी मतलब कहाँ था कहाँ से तो आया, तो तेरे को मतलब कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ तू बाप बन चुका है यार, चल मेरे नीचे वाले ऐसी है यार, वही वो चीज वही है ना कि आसपास का जब ऐसे होता है ना तुम्हारा सर्कल, तो कभी वो दिमाग में आती नहीं है। तो अब देख चल मेरे से बड़ा वो है उसके दिमाग में नहीं आई, तो बहन मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, मैं भी क्यों आएगी पूरी दुनिया को पता भाई, सबसे पहले तुझे पता है और क्वेश्चन इससे कोई है और मनु में साठ होगा भाई यही है कि पहला घर लेना है क्योंकि पता ही है तुम्हारा घर, तुमको सबको पता ही है मेरा घर कैसा है, घर लेना है उसका मेरे फ्यूचर गोल दिमाग में आया नहीं है भाई। एक क्वेश्चन हो रहा है, शादी कब करेगा भाई तू? 28 साल का होने वाला भाई, घर लेते कर लूंगा, घर लेते शादी कौन करेगा भाई, घर लेते कर लूंगा, तू अपना देख मेरी बतेरी मिल जाएगी प्लान यही है कि जैसे घर ले लूंगा शादी, क्योंकि भाई रखूंगा कहां, ये भी तो अरेंज है ना, देखियो वो भगवान ने जो करेगी इसमें तो भाई नो कमेंट्स, वो तो तुझे ही पता है, तुझे भी पहले तू कर रहा अरेंज, तुझे भी मिल गई है ना, मिल जाएगी भाई भाई। बाकी एक चीज तेरे से और पूछना चाहूंगा, जैसे तू किसी लड़की को लाइक करता था वही तेरा दोस्त ले गया तो तेरे को कैसा लगता है? ऑनेस्ट एक यार, बुरा कैसा लगता है भाई? बुरा तो लगता है भाई, बुरा लगता है लड़की को बोला ये इसके लिए, इसके लिए इधर आके बैठ ना बुलडोजर, इधर खड़ा हो गया हां जा रहा भेड़ा वाला पॉडकास्ट है, ओए एक ही दो भी जाने, ये दोनों आंसर दो भाई यार, भाई यार बुरा भाई, देख बुरा तो लगता है, ऑब्वियस बात है कि सामने वालों को ऊपर तेरे को लगता है, अबे तेरी बहन की भोसड़ी तेरी बिल्ली रंग की जलेगी, बोलने तो दे भाई, बुरा तो लगता है ऊपर वाला देख रहा है, उदास हो गया, नहीं मैं ऊपर वाला देख रहा है, ये बात तो तुझे ही पता है, तुझे गलत बात है यार, ये गलत बात है, गलत बात है, कैन बी है ब्रो तुम डिसाइड करो कि तुमने कौन सी वाली मुश्किल चीज चुननी है, इजी कुछ नहीं है, जैसे ब्लॉग अगर तुम ब्लॉगिंग कर रहे हो एक चीज तुम्हारी लाइफ में कुछ हो जाएगा तो पूरी गाली पड़ गई ना तो मन नहीं करता, वो ये चीज बाहर वीडियो बना रहा हूँ, घर से फोन आ गया तू भाई वाला कर दिए वो, अब ये नहीं पता कि उन्हें ब्रांड की वीडियो बना के खत्म करनी है आज, दो डालनी है वो, और ये भी तो होता भाई, एक ये भी तो फेस होता है कि जब तेरा घर से मूड ऑफ है अब कोई सब्सक्राइबर तुझे मिल जाते हैं फिर उनके आदमी हंसना ब्लॉगिंग की बता रहा हूँ अभी, वो तो ठीक है, ब्लॉग बनाना
भाई उसमें तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ कैसे छुपानी है कैमरे के आगे भाई, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो है और ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। बंदा जॉब ऑफ कर रहा है तो जॉब ऑफ कर रहा है, वो शांत होकर अपना काम कर लेगा। तेरे को पता ही होता है इसमें टेलीग्राम बना के ये टैली बना के खत्म करना है। यहाँ पे क्या करना है भाई, तू अगर बोलिंग जान के और कोई ये वाला कमेंट ऐसा आ गया वो मत्था सनका देता है, और बंदों का काम है नीचे भोगना भाई। इससे बात याद आई कि जब मैं जॉब में मतलब वहां के भी बनाता था ना ब्लॉगिंग, तो पीछे पीछे का एरिया देख लिया था लोगों ने, काफी मिलने में आ रहे थे उस समय, तो ये भी हुआ था ऐसा कि वहां का जो मेरा टीचर था उसने बोला कि ये बाघा रोड डेली आते हैं, ये क्या है, उसमें मेरा हुआ था मेल, बकायदा मेल पड़ी हुई, आज भी मेल आई थी मुझे कि ये चीज आपको यहाँ कर नहीं कर सकते, ये चीज बंद करो भाई, ये चीज मूवी दिखाने के लिए मना कर रही थी, जॉब लाइफ में ये भी आई थी। ये तो होता ही है, जैसे ये मुझे बोला था कि तुमने जॉब पे भी कर करना जा रहा दिखाया गया नहीं, वो नहीं हुआ था भाई, वो गाइडलाइंस पे आता था। हां वो हां वही गाइडलाइंस पे आता था। अगर अभी तो मतलब जैसे चल घर वालों को पता फुल टाइम ही काम ये कर रहे हो तो वो थोड़ा शांत हो जाते हैं। स्टार्टिंग में जब बंदे को पूछ चाहिए होता है, अब हम तो पक्के हो गए हैं, कमेंट्स पड़ गए हैं, गालियां खा खा के कि चल फिर भी बना लेते हैं, स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है इन चीजों में। स्टार्टिंग में तेरे वैसे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, और ऊपर से कोई एक बात बोल दे और वो तुम्हारा बहुत क्लोज बंदा ही बोल दे कि बंद कर इसको ये वो। अरे इसी की बात ले, इसी की बात ले ले, याद है जब इसके बर्थडे पे गए थे हम पूरी रात, इसके पापा के कितने फोन आए थे, फोन पे फोन आए थे, फिर ये कभी रात को जाता था। जो छत वाला बता रहा तू? नहीं छत वाला नहीं कह रहा भाई, जब इसके बर्थडे पे गए थे जब हमने फर्स्ट नाइट आउट मारा था अपना मेरे बर्थडे पे। हाँ तो छत वाला का कितना कॉल आते हैं देखो, यहाँ पे फोन पे गाली पड़ी है काट के, फिर तुमने वीडियो बनानी है तो सोच लो वही चीज कर रहा, कोई डर होता अंदर यार घर पहुंचे ये है। क्योंकि तो शांत है भाई, पड़ती है भाई। और कल भी चिकचिकबाजी कितनी हुई है, कल भी चिकचिकबाजी बहुत हुई है, वो जो भाई घर वालों को ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले तो उसे सपोर्ट करो थोड़ा, कोई नहीं अगर तुम्हें दिख रहा कोई गलत काम नहीं कर रहा, दो ढाई साल हो गए, अगर तुम्हें दिख रहा है कि भाई इसकी वजह से ये कोई इफेक्ट पड़ गया हमारे ऊपर, ये हो गया वो हो गया, उल्टा अच्छी टर्म्स ही आती है, बंदा जो अपना शौक पूरा कर रहा है उसको कर रहा है। तो कमेंट वाली बात आ रहा है, जो सबसे पहली एक रील वायरल हुई थी देखो यार, उसमें हम डिस्कस करते हैं ग्रुप बना के भाई ऐसे लिखे, मैं तो वीडियो कॉल करता था तेरी तो भाई ये स्टार्टिंग में तो मिलेगा बहुत ज्यादा, वो मेरे से नए नए बंदे पूछते भाई 8 कमेंट आ रही है आ रहा है, 8 कमेंट वही करेगा जो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा भाई, उससे तुम्हें इफेक्ट क्यों पड़ रहा है। सही बात है, मैं तो आज तक अपने कमेंट्स नहीं देखे, देखो पढ़ना नहीं आता ना चूती है। और अगर भाई तुम आ रहे हो तो चाह रहे हो कि 10 लाख बंदों को अपनी शक्ल दिखाओ, तो उसमें से 1 लाख तो ऐसे मादरचोद भी होंगे ना जो उल्टा सीधा बोले, तो वो एक्सेप्ट करो। अलग होता है एक वो होता है की बंदा जिस चीज की वजह से डिप्रेशन में है उस चीज का अगर तुम मजाक बना रहे हो तो वो गलत चीज हो जाती है, भी जगह नहीं मिलेगी, ये चीज बहुत गलत है, बहुत गलत है। तुम अगर तुम मजाक बना भी रहे हो अपने 3-4 बंदों में आपस में करिए, आपस में कर लो, पब्लिकली मत लिखो ना। अब हम जैसे अगर मटके का कोई मजाक बना रहे हो तो ये और मैं पीछे से बना लेंगे कि उस तक बात ना चली जाए, वो पिंच हो जाएगा, इस वजह से नहीं कि पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, इस वजह से कि उसको इफेक्ट ना पड़े। ध्यान रखो भाई दिल मत दुखाओ, इसमें दिल मत दुखाओ, बाकी हंसी मजाक क्यों मरती करते। चल बंद कर दे बस, अब बाकी बाद में। चलो भाई ये सही तक का था, पहला पॉडकास्ट अच्छा भी अच्छा दिखाना भाई, सब नीचे 10-10, 20-20 कमेंट करके जाओ भाई, अगर ऐसी चाहिए तो बना देंगे भाई। और हमारे हमारे जैसे ब्लॉग रोते वैसे पॉडकास्ट भी रोई रहेंगे अपने, कोई लाइटिंग सेटअप वेटअप करके जैसे बैठे हो वैसे रहेंगे, बन रही है ना वीडियो देख ले, पागल चौधरी टेढ़ी करके। ओके गाइस, मन्नू अब गया टट्टी करने, अब ये यहीं पर ब्लॉग ऐड करते हैं भाई, टाटा सी यू, टाटा। वाले लड़के हैं जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा।